हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनील वर्मा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स योर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करते हैं तो आपको याद होगा कि आज से दो तीन महीने पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन भरनी थी जो थी आपका US टैक्स इन्फॉर्मेशन, और काफ़ी लोगों ने यानी सभी लोगों ने जो वो इन्फॉर्मेशन है वो भर दी थी। अब दोस्तों, वो सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में यहाँ आपका पहला जो पेमेंट है वो आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि भाई आपका कितना पैसा कटा है। सो काफ़ी लोगों को इस चीज़ का इंतजार था, मुझे भी इंतजार था, और सब आज जैसे ही मैंने एक्सेल खोल के देखा तो मेरी जो अर्निंग थी वो वहाँ पे ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद में मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किया भाई मेरी कितनी अर्निंग मेरी कटनी थी। सो यहाँ पे मेरी जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको बता दूंगा कि अंदाजन, जैसे कि एक्चुअल इनकम तो हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, यानी मान के चलिए कि अगर मेरी जो अर्निंग है वो $500 है तो यहाँ पे मेरा मुश्किल से मान लीजिए $1 या $2 उसका कटा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप कैसे पता करेंगे कि आपकी कितनी अर्निंग उस US टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए कटी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको जाना है आपके YT स्टूडियो के अंदर, जैसे कि आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे ऊपर तीन डैश के ऊपर, यहाँ पे आप जाएंगे डैशबोर्ड में, इसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे व्यू मोड के ऊपर। व्यू मोड पे जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आप आएंगे आपका यूर एस्टिमेटेड रेवेन्यू के ऊपर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट 28 डेज लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे जून वाले मंथ पे, क्योंकि आपकी जो अर्निंग आई है वो जून मंथ की आई है। सो यहाँ पे आप देखिए आपकी जितनी अर्निंग बन रही है वो आप देख लीजिए, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आप आएंगे अपने एडसेंस अकाउंट के ऊपर, क्रोम ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे एडसेंस। तो जैसे ही आप यहाँ पे एडसेंस टाइप करेंगे तो आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर जो आपका बैलेंस है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आप देख लीजिए आपका एडसेंस का जो बैलेंस है और वहाँ पे जो बैलेंस आया था आप उसको माइनस कर लीजिए, वहाँ पे आपका जो डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा भाई मेरा कितना पैसा कटा है। मैंने आपको जिसे बता दिया कि एक्चुअल में अगर मेरे $500 बने हैं तो उसका मुश्किल से $1 मेरा कटा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि मान के चलिए मेरा जो बैलेंस है टोटल वो $500 है, $500 के अंदर से $400 मेरे बने हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, या फिर इंडिया से मान लीजिए, नेपाल से मान लीजिए, और $500 के अंदर $100 मेरे बने हैं करीब US से। तो यहाँ पे जो मेरा 15% टैक्स कटेगा वो सिर्फ उस $100 पे कटेगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो उन लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश में वीडियो बनाते हैं या फिर जिन लोगों के वीडियो US के अंदर ज़्यादा देखे जाते हैं। हालांकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी ज़्यादा जो पैसा है वो कटने वाला है, पर ये जो पैसा कटा है बिल्कुल ना के बराबर कटा है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मुझे अगर जो नुकसान हुआ होगा मुश्किल से, अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो मुश्किल से 30 या 35 रुपये। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल ऑन से रखें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।